एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन 13 सीरीज को 14 सितंबर की रात 10:30 बजे मार्केट में लॉन्च कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईफोन 13 सीरीज को विस्तार से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया D4C में। एप्पल की आईफोन 13 सीरीज 14 सितंबर को लॉन्च हो गई है। एप्पल के CEO टिम कुक ने नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। कंपनी ने आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग इवेंट मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक 10:30 बजे शुरू हुआ। टिम कुक ने आईफोन 13 सीरीज लॉन्च की। आईफोन 13 का डिस्प्ले साइज 6.1 इंच है और आईफोन 13 मिनी का डिस्प्ले 5.4 इंच है। आईफोन 13 मिनी की शुरुआती कीमत लगभग $699 और आईफोन 13 की कीमत लगभग $799 शुरू होती है। दोनों फ़ोन के शुरुआती वेरिएंट अब 64 GB के बजाय 128 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। नई सीरीज में नया A15 बायोनिक चिपसेट होगा, हालांकि इसके डिज़ाइन में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। आईफोन 13 के कैमरे में कई बदलाव हुए हैं। इसमें मिनी और रेगुलर वर्जन दोनों के लिए लो लाइट परफॉर्मेंस शामिल है। खास बात यह है कि कैमरे में एक नया सिनेमैटिक मोड है जो सब्जेक्ट के हिलने पर भी सब्जेक्ट को फोकस में रखेगा। फोकस सब्जेक्ट पर रहता है जबकि बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। यह वीडियो के लिए पोर्ट्रेट मोड है। यह डॉल्बी विजन HDR में शूट होता है जो एक स्पेशल कस्टम सेंसर द्वारा सक्षम है। आइए अब आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में जानते हैं। एप्पल ने 6.1 इंच वाला आईफोन 13 प्रो और 6.7 इंच वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमतें क्रमशः $999 और $1,099 होगी। इन फोन्स में फोटोग्राफिक्स स्टाइल नाम का एक नया फीचर है जो फोटोज पर रियल टाइम एडिट की सुविधा देता है। 3x ऑप्टिकल जूम वाले इस फोन में 128 GB से लेकर 1 TB तक के विकल्प मौजूद हैं। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी सेम टू सेम आईफोन 12 की तरह ही नज़र आते हैं। आईफोन 13 में 6.1 इंच और आईफोन 13 मिनी में 5.4 इंच का डिस्प्ले है। नए आईफोन में कंपनी की A5 बायोनिक चिप मिलेगी। कंपनी का दावा है ये पुराने मॉडल की तुलना में 50% ज़्यादा फास्ट है। फ़ोन में ट्विन रेयर कैमरा है। यह फ़ोन IPS68 रेटिंग के साथ आएगा। फ़ोन को 5 रंग पिंक, ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट और प्रोडक्ट रेड में आएगा। आईफोन 12 प्रो मैक्स का सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के साथ आता है। साथ ही डुअल कैमरा सेटअप में नया 12 MP वाइड एंगल कैमरा है। एप्पल ने साल के अंत तक 60 देशों में 200 कैरियर्स और 5G स्पोर्ट्स को दोगुना करने का वादा किया है। आईफोन 13 मिनी की बैटरी आईफोन 12 मिनी के मुकाबले 1.5 घंटे ज़्यादा चलेगी। वहीं आईफोन 13 की बैटरी आईफोन 12 के मुकाबले 2.5 घंटे ज़्यादा चलेगी। आईफोन 13 मिनी की कीमत $699 लगभग ₹91,473 से शुरू होती है और आईफोन 13 की US में कीमत $799 है, जो कि इंडियन रुपीज़ में ₹58,836 होती है। दोनों फोन्स के शुरुआती वेरिएंट अब 64 GB के बजाय 128 GB में आएंगे। आईफोन 13 प्रो की स्क्रीन 6.1 इंच होगी। आईफोन 12 प्रो की भी स्क्रीन इतनी ही बड़ी है। नए आईफोन में कंपनी की A15 बायोनिक चिप मिलेगी। यह फ़ोन IPS68 रेटिंग के साथ आएगा, यानी पानी और धूल में ख़राब नहीं होगा। फ़ोन में ट्रिपल रेयर सेटअप होगा। 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 77mm का टेलीफोनिक लेंस, f1.8 अपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब तक का सबसे बड़ा सेंसर वाला f1.5 वाइड एंगल लेंस होगा। आईफोन 13 प्रो की बैटरी आईफोन 12 प्रो के मुकाबले 1.5 घंटे ज़्यादा चलेगी। वहीं आईफोन 13 प्रो मैक्स की बैटरी आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले 2.5 घंटे ज़्यादा चलेगी। आईफोन 13 प्रो की शुरुआती कीमत $999 है, जो इंडियन करेंसी में लगभग ₹73,559 होती है। आइए आईफोन 13 सीरीज के सभी मॉडल्स की कीमत जानते हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन 13 मॉडल के शुरुआती कीमतों और उनके साथ ही आईफोन 12 सीरीज और आईफोन SE की
कीमतों को भी अपडेट किया है, जिसमें आईफोन SE 39,990 रुपीज़, आईफोन 12 59,990 रुपीज़ 64 GB रैम, आईफोन 13 मिनी 69,900 रुपीज़ 128 GB, आईफोन 13 79,900 128 GB, आईफोन 13 प्रो 119,900 128 GB, आईफोन 13 प्रो मैक्स 129,900 128 GB। सो फ्रेंड्स, इन कीमतों के साथ आईफोन 13 को लॉन्च कर दिया गया है। एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के साथ ही आईपैड मिनी और एप्पल वॉच सीरीज 7 भी लॉन्च किया है। एप्पल ने आईपैड मिनी को लॉन्च कर दिया है। सबसे खास है इसका डिज़ाइन, जिसको पूरी तरह से बदला गया है। नया आईपैड मिनी काफ़ी हद तक प्रो और एयर जैसा दिखता है। मिनी आईपैड में मोटो बेजल्स दिए गए हैं। आईपैड मिनी में USB-C पोर्ट और 5G मॉडल है। भारत में नया आईपैड मिनी की शुरुआती कीमत 46,900 रुपये होगी, वहीं वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल की कीमत 60,900 रुपये होगी। एप्पल ने आईपैड का नाम न्यू आईपैड रखा है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा ऐप्स होंगे। न्यू आईपैड में 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होगा और 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा भी होगा। आईपैड के वाईफाई मॉडल की कीमत 30,900 रुपये और वाईफाई सेलुलर मॉडल की कीमत 42,900 रुपये होगी। इन्हें सिल्वर और स्पेस ग्रे रंगों में पेश किया गया है। वहीं कंपनी ने एप्पल वॉच सीरीज 7 लॉन्च की है। नए एप्पल वॉच सीरीज 7 वॉच OS 8 के अपडेट के साथ शुरू होती है। इसको नया डिज़ाइन मिला है। इसका नया रेटिना डिस्प्ले वॉच सीरीज 6 से 20% बड़ा है। इसकी कीमत $399 से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही लाइव अपडेट्स के लिए मेरे चैनल दीप छाया D4C को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।